सो गाइस, अभी के टाइम में कस्टम में ना बहुत प्रकार की प्राणी अपनाई जाती है, और उनमें से कुछ प्राणी ऐसी होती है जो ग्लूबॉल का बहुत ही गलत प्रयोग करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा गलत प्रयोग। अब देखो, इस ग्लूबॉल का प्रयोग खुद की आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है, बट ये कुछ प्राणी इस ग्लूबॉल का प्रयोग सामने वाले एनिमी का दिमाग खराब करने के लिए करता है, ताकि सामने वाले एनिमी का पूरा दिमाग ही डाइवर्ट हो जाए। अबे यार, ग्लूबॉल का दुरुपयोग करने वाले प्राणी एक राउंड से जितने दे दे बेइज्जती हो जाएगी। ओ डैमेज पड़ा, डैमेज पड़ा। अबे यार, एक गोली का होगा वो बंदा। ओ अबे यार, एक गोली का लास्ट गोली लग जाए। हे भगवान, लास्ट गोली लगा दो किसी तरह यार, लास्ट गोली लगा। जय माता दी। सब पागल भाई के सब्सक्राइबर। जी हाँ, कुछ ऐसे ही, और नो डाउट ये सब प्राणी हमारे पागल भाई को इंस्पिरेशन मानते हैं। ऐसे प्राणी को गाइस तुम लोग मारना तो दूर की बात, एक गोली टच नहीं कर सकते, और तुम लोग खुद उसके ग्लूबॉल में इतना परेशान हो जाओगे कि एक टाइम के लिए तुम लोग खुद बोलोगे, भाई तू मार ले मुझे, आके रहा मार ले। इस बत्ते को नहीं छोड़ेंगे साले, ये ले भर दूंगा साले, दो दो गोली करके भर दूंगा। इस बार तो मार के छोड़ूंगा। रुकना यार, कितना ग्लूबॉल लगाता है भाई। अरे यार, एक गोली लग जाए, एक गोली नहीं लगता, हट यार। नहीं खेलना मुझे भाई, मार दूंगा। मुझे जीने का हक ही नहीं है, मेरे को मार नहीं। मार रहा ब्रो तेरे को, तू मार मेरे को, मार, खेलना नहीं, मुझे जीने का ही हक नहीं। मार दे, मार आराम से। ओके नाइस। और मैं खुद गाइस ग्लूबॉल के गलत प्रयोग करने वाले इन प्राणियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, तभी मैंने सोच लिया इन प्राणियों की लिस्ट में अब मुझे भी आना है। और मैं अकेले नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों को साथ में लेकर आऊंगा। मतलब ये ट्रिक गाइस मैं रिबिल्ड करने जा रहा हूँ कि आखिर तुम लोग कैसे इस लेवल के ग्लूबॉल को परफॉर्म कर सकते हो। अब दो गाइस, कस्टम में एकदम किंग बनने के लिए तुम लोगों को तीन या चार प्रकार के ग्लूबॉल को बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। सबसे पहला है सिंगल ग्लूबॉल, जो सभी बंदों को पता होता है, यानी कि बेसिक ग्लूबॉल। दूसरा है वेंडर ग्लू, या फिर कह लो बवंडर ग्लूबॉल। एंड थर्ड है गाइस बैकग्राउंड ग्लूबॉल। एंड फोर्थ है गाइस राउंड ग्लूबॉल, यानी कि कवर ग्लूबॉल। अब दो गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो चार टाइप्स के ग्लूबॉल होता है, अगर तुम लोग सही से सीख जाओगे, लाइक एकदम एक्यूरेटली परफॉर्म कर लोगे, देन तुमको कोई गोली टच भी नहीं कर पाएगा कस्टम में। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तुमको मारना। स्पेशली गाइस सिंगल ग्लूबॉल सबको आता है, तो यहाँ पर तीन ग्लूबॉल टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बवंडर, बैकग्राउंड और कवर ग्लूबॉल। ये तीन टाइप्स ग्लूबॉल टेक्निक अगर तुम सीख लोगे तो तुम लोग उन प्राणियों के लिस्ट में आ सकते हो। अब दो गाइस इन तीनों ट्रिक को रिवील करने से पहले कुछ सामान्य यानी कि बेसिक सेटिंग करना बहुत जरूरी है तुम्हारे फोन में, ठीक है। सो उनमें से सबसे पहला आता संवेदनशीलता, जो तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को फुल रखना है ऑलवेज। तो तुम लोग संवेदनशीलता को अपना फुल कर लेना, अपना संवेदनशीलता एक्चुअली नहीं, डिवाइस के संवेदनशीलता को, ठीक है। सो दूसरा है गाइस एचयूडी। अब तुम लोग एचयूडी में क्या चेंजेस लाना है? एचयूडी में तुम लोगों को थोड़ा चेंजेस नहीं लाना है, तुम लोग एचयूडी में बहुत बड़ा चेंजेस लाना है। तुम लोग का देखो, अगर जंप बटन और क्राउच बटन और रन बटन अगर राइट साइड में है, तो उसको तुम लोग को ना चाहते हुए भी लेफ्ट में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जी हाँ गाइस, ये बात काफी बंदे का भी दिल में लगा है, बट हाँ तुम लोग करना पड़ेगा अगर तुम लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हो। सो थोड़ा एडवांस हो जाओ, और ये जो बटन राइट में है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, बिकॉज गाइस एचयूडी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा? अब इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करने क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा बेस्ट एचयूडी करके, ठीक है। तो उसको भी देख लेना, तुम लोग समझ जाओगे क्यों मैं लेफ्ट में शिफ्ट करने बोल रहा हूँ। सो ओके गाइस, अब हमारे गेम का संवेदनशीलता और एचयूडी एकदम परफेक्ट है, अब हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पर जंप कर सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड ग्लूबॉल के ऊपर। बैकग्राउंड ग्लूबॉल बहुत प्रकार के होते हैं, तुम लोग अपने हिसाब से किसी को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर गाइस तुम लोग दो प्रकार के बैकग्राउंड ग्लूबॉल सीखोगे, ठीक है। वेरी गुड। अब गाइस सबसे पहला बैकग्राउंड ग्लूबॉल सीखने वाला है सर्किल वाला, जो मतलब एक साइड से लगता है, ठीक है, और एक साइड से लगाकर तुम लोग पीछे भाग सकते हो। और ये वाला गाइस मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इससे तुम लोग चार बंदे को इजीली कवर कर सकते हो। मतलब अगर तुम लोग चार बंदे कुत्ते की तरह भगा रहा है, तो उस कंडीशन में भी तुम बच सकते हो और भाग सकते हो। सब देखो गाइस तुम लोग इस ट्रिक को कैसे कर सकते हो। सिंपल सा, इधर रन करना है, फिर ग्लूबॉल बटन पर टैप करना है, फिर जंप बटन टैप करना, ठीक है। अब जंप बटन जैसे ही टैप करते हो, पूरा स्क्रीन को पीछे रोटेट करना है। पीछे मतलब जहां से तुम लोग एनिमी भगा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब देखो गाइस जैसे ही तुम लोग थोड़ा सा रोटेट करते हो, लाइक यहां तक रोटेट होता है, उस टाइम पर तुम लोगों को दबाना है लेफ्ट फायर बटन को। लेफ्ट फायर बटन ऑलवेज इनेबल होना चाहिए गाइस, मैंने पहले नहीं बताया, बट जिनका इनेबल नहीं है इनेबल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन था, रन फिर ग्लूबॉल फिर जंप बटन, फिर जैसे ही स्क्रीन को रोटेट करते हैं, यहाँ पर गाइस हम लोगों को टैप 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 करना है लेफ्ट फायर बटन को। और देखो गाइस जैसे ही मैं टैप 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 करता हूँ, पूरा सर्किल में इधर ग्लूबॉल लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग पीछे ग्लूबॉल लगाएंगे कैसे। यहाँ पर देखो गाइस जैसे ही सर्किल में ग्लूबॉल लग जाता है, कैरेक्टर का पैर लाइक जमीन पर टच होने वाला होगा, तो उस कंडीशन में तुम लोगों को फिर से रोटेट करना है अपने स्क्रीन को जिधर से तुम लोग भाग रहे थे। लाइक जिधर तुम लोगों को भागना होता है उधर फिर से रोटेट करना है स्क्रीन को। यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ, इधर मुझे भागना था सीधा, सो फिर से मैंने यहाँ पर रोटेट करा अपने स्क्रीन को। यहाँ पर देखो गाइस जैसे ही कैरेक्टर का पैर जमीन पर टच होगा, फिर से तुम लोगों को एक बटन दबाना है, वह है जंप बटन। इस टाइम पे तुम लोगों को रन बटन नहीं दबाना है, बिकॉज कैरेक्टर ऑलवेज रन करता रहेगा।
सिंपल सा दबाना है जंप बटन, फिर से स्क्रीन को पूरा पीछे रोटेट करो, फिर से ग्लू वॉल लगाओ, पूरा ग्लू वॉल लग जाने के बाद फिर से स्क्रीन को आगे रोटेट करो, और ऐसा करके तुम लोग पूरा एकदम सर्किल में लाइक ग्लू वॉल लगा सकते हो। और अगर सामने चार भी बंदे हो तो तुमको टच भी नहीं कर सकता वो बंदा, और ये 1v4 के लिए एकदम बेस्ट ग्लू वॉल ट्रिक है लाइक पीछे भागने के लिए। अब देखो दूसरा ट्रिक देखो और क्लियर हो जाएगा। देखो अगर तुम लोग को सिंगल बंदा भगा रहा है ठीक है, ये तो हो गया स्क्वाड वाला, अगर तुम लोग को एक बंदा भगा रहा है उस कंडीशन में क्या करना तुम लोग, तो ये है गाइस जिगजैग बैकग्राउंड ग्लू वॉल, सिंपल सा ग्लू वॉल टैप करना है, फिर जंप बटन टैप करना है जैसा मैंने बोला, स्क्रीन को पीछे घुमाना है। अब यहाँ पर ग्लू वॉल गाइस स्क्रीन को पीछे घुमाते हुए नहीं लगाना है, स्क्रीन को पीछे घुमाकर गाइस जिगजैग करके ग्लू वॉल को लगाना है, मतलब स्क्रीन को ऐसे जिगजैग करना है, और देखो ग्लू वॉल कुछ इस टाइप का लगेगा। फिर जैसे कैरेक्टर का पैर जमीन पर टच होता है हम लोगों को सामने देखना है, फिर जंप करके पीछे देखना है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, और तुम एनिमी से इतना फास्ट भागोगे कि लाइक वो सोचेगा क्या हो रहा है ये मेरे साथ। सो आई होप गाइस बैकग्राउंड ग्लू वॉल तुम लोगों का क्लियर हो चुका है कि स्क्वाड में हम लोगों को कैसे बैकग्राउंड ग्लू वॉल लगाकर भागना है, और लाइक अगर सिंगल बंदा हम लोगों को भगा रहा है तो कैसे ग्लू वॉल लगाकर हम लोगों को भागना है। तो ये हो गया गाइस दो प्रकार यानी कि दो टाइप्स के बैकग्राउंड ग्लू वॉल्स। अब गाइस बात आता है राउंड यानी कि 360 डिग्री ग्लू वॉल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पेशली स्क्वाड खेल रहे हो जब तुम। सो देखो गाइस इसको कैसे परफॉर्म करना है, सिंपल सा सबसे पहले गाइस तुम लोगों को फायर करना है, और अगर तुम लोग फायर नहीं कर रहे हो मतलब किसी को रिवाइव देने जा रहे हो या फिर खुद को मेडी मारना है, सो यही प्रोसेस चलेगा, बस तुम लोगों को फायर नहीं करना है। बट यहाँ पर गाइस मैं फायर कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 1v4 सिचुएशन है ठीक है, और मुझे चारों तरफ कवर करना है, तो यहाँ पर गाइस मैं करता हूँ फायर। अब जैसे पूरा फायर हो जाता है तो यहाँ पर मैं टैप करता हूँ ग्लू वॉल को, फिर ग्लू वॉल को पूरा मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, फिर यहाँ पर काम आता है गाइस जॉयस्टिक का और राइट फायर बटन का। देखो यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन हम लोग को यूज नहीं करना, यहाँ पर यूज करना है हम लोग को राइट फायर बटन। देखो कैसे यूज करना है, हम लोग को जिस डायरेक्शन में लगाना है लाइट में इधर लेफ्ट साइड से घुमाता हूँ, तो हमको जॉयस्टिक मूव करना है इधर राइट की ओर, मतलब यहाँ पर देखो जॉयस्टिक में इधर मूव कर रहा हूँ, और अपना जो फायर बटन है उसको मैं देखो ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ, मतलब इधर ऐसे मूव कर रहा हूँ, और देखो मेरा इजीली राउंड ग्लू वॉल लग रहा है। फिर यही प्रोसेस गाइस बार बार चलता जाता है, सिंपल सा फायर करो, ग्लू वॉल टैप करो, और स्क्रीन को नीचे लाता है वो ये जो फायर बटन है मतलब राइट फायर बटन को ऐसे मूव करना है, 3-4 बार ऐसे ऐसे कर दोगे तो पूरा देखना राउंड हो जाएगा। सो आई होप गाइस तुम लोगों को क्लियर हो चुका है कि बैकग्राउंड ग्लू वॉल और राउंड ग्लू वॉल कैसे लगाया जाता है। ये दोनों चीज अगर सीख जाओगे तो कस्टम लिटरली बहुत गंदा लेवल का खेलोगे तुम लोग। अब गाइस बवंडर ग्लू वॉल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अभी के टाइम पे बहुत प्लेयर यूज करता है, तो उसको तुम लोग कैसे यूज कर सकते हो अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा, तुम लोग जाओ देखो सीख जाओगे, बहुत इजीली सीख जाओगे। तो हे गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है, और हाँ जो जो बंदे इस चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।